तो दोस्तों ये पिंजरा तो आप सबको ही याद होगा और व्हाइट कलर की डक्स थी वो, बाकी वो कहाँ गई अचानक, कैसे गायब हुई? तो दोस्तों मारा है, कौन से वाले ने मारा है इसको जरा मैं पकड़ूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज जो हूँ मैं ऊपर जा रहा था सेटअप पर, तो सोचा यार अपनी जो बर्ड सफारी थी हमने बनाई थी उस जगह का हाल दिखाऊं आप लोगों को। दोस्तों ये हमारी बर्ड सफारी का हाल हुआ भाई कुछ, ये देखें कितने हमने गमले लगाए थे सेटिंग करके, एक वाला तो फिर भी सेट है, ये देखें ये वाला बेकार हो गया, ये वाला बेकार हो गया, ये वाला भी बेकार हो गया। ये हमारी बेल थी, ये तो खैर इसको ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही बढ़ती रहेगी माशाल्लाह से, वहाँ से निकलना शुरू। ये वाला जो है ये तो तीतर है, ये वाला बेकार हो गया, ये कुछ सेट है और वो वाला भी ख़त्म है। तो मतलब दोस्तों जितने हमारा बर्ड सफारी का सेटअप मैंने इधर लगाया था सारा का सारा बिल्कुल बेकार हो गया। वैसे मैं यूं करके दिखाता था तो पूरा एक लगा हुआ कितना खूबसूरत लगता था, तो बस बर्ड सफारी हमारी दोस्तों यहाँ से ख़त्म हो गई। पर चली गई अच्छी है, पर यहाँ एक खूबसूरती लगती थी जो एक चीज़ मैं बनाना चाहता था ना वो चीज़ बात की मैं, खैर मजबूरी थी और मजबूरी बहुत ज़रूरी थी ऊपर ले जाना, तो सीधी बात वो ऊपर सही है। बाकी दोस्तों यहाँ का सेटअप यार इंशाल्लाह जल्द करेंगे, क्योंकि मुझे ये तोतो वगैरह के भी थोड़ा सेटअप सेट करना है और इनका भी कुछ सेट करना है। जैसे हमारी गोल्डन फिंच बेचारी अकेली है, उसके लिए पार्टनर लाना है और कुछ पिंजरे लाके हमने यहाँ पे जो है अपना पूरे का पूरा सेटअप मैंने करना है। ये देख रहे हैं आप जगह, इधर दीवार पे मैं सारे एक एक करके लाइन से पिंजरे लगाने की सोच रहा हूँ, केजेस छोटे, और उसके बाद ये फिंचेस जिससे एलर्जी ना हो घर में वालदा को वो ला के डालूंगा। और एक खूबसूरती लगती है, बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी बॉक्सेस नहीं लगा सकता क्योंकि ये जगह खुली हुई हमारी, और ये भी खुला होता है गेट तो ये ऐसे ही निकल जाएंगे, ये तो नहीं टिक सकते फिंचेस वगैरह। तो दोस्तों बस ये चीज़ थी मैंने बोला आज बताऊँ आप लोगों को दिखाएं। बाकी हमारे यार ये देखो, ये मेरी ही शर्ट किसी ने डाली हुई टी शर्ट इनके ऊपर। हाँ भाई मिट्टू क्या हाल है, क्या बोल रहे हो आप? बहुत प्यारा बोलता ही है, आप लोगों ने कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अभी इसने बोला मिट्टू, बहुत तेज तेज बोलता है, पर कैमरे को देख के थोड़ा शर्मा जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं छत पे अपने सेटअप पर, देखें भाई वहाँ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं सारे के सारे। हाँ भाई लंबू क्या हाल है, देखते ही सबके सब मेरे पास भागते दौड़े चले आते हैं भाई। बाकी दोस्तों आज सुबह संडे था, आप लोगों को पता है मार्केट लगी होगी बर्ड्स, तो मैं गया था वहाँ पे भाई के साथ, मोबाइल लेके नहीं जा पाया तो सीधी बात जल्दी जल्दी मैं भूल गए, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। हमने सोचा कि पता नहीं क्या क्या आया हुआ होगा ये वो, पर भाई कुछ भी नहीं आया हुआ था, बस वही मुर्गे मुर्गियाँ, वो भी बस पालने लायक के ऐसे कि आप रख लो घर में, बस वो कोई ख़ास नहीं था, तो बस इसलिए वापसी आ गए। चलो भाई आज तुम लोग भी खुल जाओ, जाओ चले 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 चले, भागो 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 भागो, मैं जान तुम इनकी जितनी हो, चलो मारती रहोगी उन्हें। यार मैं जब भी यहाँ आके बैठता हूँ ना दोस्तों इधर कुर्सी पे अपनी, तो ये देखें आप, ये है कि मोहतरमा हमारी जो छोटी डॉन है, छोटे डॉन की वाइफ मिसेस छोटा डॉन, तो ये फ़ौरन आके बराबर में खड़ी हो जाती है। देखें अब ये देखती रहेगी जब तक मैं आगे पीछे नहीं आऊँगा ना, अब तक कहीं जाएगी नहीं आगे पीछे। तो दोस्तों ये पिंजरा तो आप सबको ही याद होगा, जिन जिन ने देखा है मेरे भाइयों ने जो जो हैं, जिनको पता है इस पिंजरे में क्या था दोस्तों मैं बताता चलूँ, जिन्हें नहीं पता कि इस पिंजरे में मैंने डक्स पाली हुई थी अपनी, बहुत ही अच्छी थी और वाइट कलर की डक्स थी वो, बाकी वो कहाँ गई अचानक, कैसे गायब हुई? तो दोस्तों सीधी बात करूँगा घुमा फिरा के नहीं, असल में हुआ कुछ यूँ दोस्तों, जब मैं वो रखा हुआ था ना तो उन दिनों में मैं जब वो मतलब सेल आउट हुई हैं तो उन दिनों में बड़ा बिजी चल रहा था, तो ना मैं उनकी वीडियो बना सका ना कुछ, और वो सेल आउट होने की वजह सिर्फ ये थी कि वो काटने लग गई थी बहुत ज़्यादा, और मेरा जो देखा है आपने छोटा भाई का बेटा काशान, उसको आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा, उस पर उसने हमला कर दिया था शाम के टाइम में, तो हम ऐसे ही खोले हुए होते थे सबको, तो उसने बहुत बुरा हमला करा था, तो वो बच गया बहुत, तो इस वजह से हमने उसको फिर काफ़ी डांट पिटी मेरी बाबा वगैरह से, उन्होंने बोला बेटा इसे सेल आउट कर दो और दूसरी ले आओ कोई जो काटने वाली ना हो, बिल्कुल सेट हो, काटती तो खैर ये सारी हैं लेकिन वैक्सीन हुई भी उनकी और वो इतना ख़तरनाक ना हो कि इसके लिए परेशानी के बाद में ना, सही बात है ठीक है, पर उनका नाम मैंने मुझे जो जो रखा हुआ था ऐसे ही रख दिया था एक नाम,
तो ये हो जाती है उनको सेल आउट करने की दोस्तों। बाकी वो इस पिंजरे में रहती थी जिसका अब हाल ही बिल्कुल बेकार हो गया है। तो ये पिंजरा भी अब फेंकेगा, अब ये किसी काम का नहीं रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बस दोस्तों वो ऐसे ऐसे चली गई। काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आए थे कि कहाँ गई। मेरे घर वाले जो हैं जो देखते हैं ब्लॉग वगैरह मेरे, उन्होंने भी बोला यार वो अचानक बीच से गायब हो गई, तुमने ना कुछ बताया ना कुछ ना दिखाया कि वो कहाँ गई, कैसे गई, कब गई। तो बस ये वजह थी कि दोस्तों वो ऐसे करके सेल आउट हो गई। और हमारी अच्छी थी यार, बहुत एक रौनक रहती थी सेटअप पे। तो खैर इंशाल्लाह दूसरी ले आएंगे, और कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। दोस्तों हमारे जो ये पिजन्स हैं ये अपने अंडे को तरीके से सेक रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से दोस्तों मैंने इनको ढकना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा ढक के रखता हूँ फ्रंट से, गर्मी की वजह से साइड से नहीं ढकता कि नहीं यार थोड़ा सा तो खुला रहे ताकि इनको थोड़ी हवा मिलती रहे। अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घुटन हो जाएगी। बाकी नीचे वाले जो हैं उनके मैं इंतज़ार में हूँ यार। उनका पेयर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नर सही है, मादा में कोई प्रॉब्लम है। और ये जो है हमारी सेटल नेट, ये भी बहुत जल्द दोस्तों अंडे दे देंगी इंशाल्लाह। मेरा पूरा यकीन है, जैसे मैंने उसका बोला था आपको व्हाइट वाले का दे दिया उसने, ऐसे ये भी जल्द अंडे दे देंगी। मुझे आज इनका भरोसा था कि शायद आज एक अंडा दे देते, पर होता है अक्सर ये शाम के टाइम दे देते हैं, कभी रात में भी दे देते हैं, तो वो हो जाता है। जैसे इन्होंने रात में अंडा दे दिया और सुबह हमारे को मिला वो रखा हुआ। बाकी दोस्तों जो हमारे जो ये प्यारे से कॉकटेल हैं भाई, इनके मेरे को पूरा यकीन हो गया। ये देखें नर ऊपर बैठा हुआ है और मादा बाहर। इनके अंडे शायद ख़राब कर दिए हैं इन्होंने, क्योंकि एक अंडा फेंक दिया और बाकी अंडों का मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है अंदर। फ़िलहाल ये अंदर जा नहीं रहे, तो कल हम इनका चेकआउट करेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो कल पर कहानी रखते हैं ये दोस्तों, कल आप और हम, आप और मैं एक साथ देखेंगे कि इनके अंडे सही हैं या ख़राब हो गए। मैडम ये क्या हरकत लगाई हुई है तुमने, हैं जरा किसी तो हो। ये देखें पूरा दोस्तों इसने उखाड़ा है, अभी मेरे सामने बैठे बैठे इसने ये जगह पूरी आती है इधर भी उखाड़ दी। इसे पूछ के उखाड़ रही हो, क्वैक क्वैक, इतना तो साइज है छोटी सी। तो दोस्तों वैसे कुछ अरसे में ऐसी शदीद ठंड आएगी, तो इस वजह से मुझे पूरा कवर्ड करना पड़ेगा इनका, जो मुझे सोचने में लग रहा है, क्योंकि पूरे का पूरा कवर्ड करना पड़ेगा। चल चल चलो चलो चलो, क्या हुआ मारा है? सही तो चल रहा है अभी तक तो। अरे इधर तो आ मेरे भाई, इसको दोस्तों मारा है, कौन से वाले ने मारा है इसको जरा मैं पकड़ूं। अभी तो सेट था ये यार, बिल्कुल सही चल रहा था। चलो चलो तुम भागोगे दौड़ोगे ना सेट हो जाओगे। इसने मारा है दोस्तों। चले यार दोस्तों जो चूजे हैं ना हमारे उन्हें बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब वो इधर अनसेफ लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा हर थोड़ी देर बाद उन पर हमला करे जा रहा है, तो उन्हें बंद करूँ। तो दोस्तों सारे चूज़ों को बंद कर दिया है, पर जिसके लगी है यार ये देखें, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, बैठ गया है अजीब तरीके से, ना चल पा रहा है। चलो उठो, ये देखें ये देखें कौन से पाँव में लगी है इसकी, ये तो नहीं इसमें लगी है दोस्तों ये वाला। हाँ ये चले है ना थोड़ा बैठ रहा है, चल चल के चलो 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 चलो। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं जब नीचे जाऊंगा तो इसको लेते हुए चले जाता हूं अपने साथ, और इसके थोड़ा सा मालिश करके फिर इसको छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। नन्हे मियाँ जो छोटे से हमारे, ये देखें थोड़े से सुस्त भी पड़ गई अपने इसे लगने की वजह से, तो ये सेट हो जाएगा। अभी तुम जो हो यहाँ पे बैठ जाओ, चलो तुम्हारे को मैं नीचे ले जाता हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कर दें, और मेरे चैनल अगर मैं शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। चलें छोटे मियाँ आ जाओ भाई, इनको ले जाते हैं नीचे और इनका इलाज करते हैं।